तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर कॉमिक्स। तो गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए भगवान श्री गणेश जी की कहानी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। तो इस कॉमिक की कहानी में बताया गया है कि आखिर एक माँ और बेटे का रिश्ता कितने प्यार से जुड़ा हुआ होता है। इस संसार की कुछ महागाथाएं लिखने में नेचर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और कैसे किसी के जन्म के साथ ही उसके आगे के जीवन की कहानी लिखी जा चुकी होती है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए नजर डालते हैं ग्राफिक इंडिया की इस शानदार ग्राफिक नॉवल पर जो कि है मिथ्स ऑफ इंडिया श्री गणेश। तो ये कॉमिक कुछ इस तरह है कि इसमें स्टार्टिंग से ही दो स्टोरीज साइड बाय साइड चलती हैं, एक माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश की और दूसरी एक हाथी के बच्चे और उसकी माँ की। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें उस हाथी के बच्चे की माँ को दिखाया जाता है जिसका शीश भगवान श्री गणेश को लगाया गया था और कथावाचक कहते हैं कि ब्रह्मांड का हृदय एक द्वित्य है, जीवन और मृत्यु के चक्र के विपरीत का संतुलन। हर जन्म अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है और मृत्यु नए जीवन को जन्म देती है। शापित है वो जो यादों को भूल जाते हैं, जो अपने आप को थोड़ा थोड़ा कर पल पल भूल जाते हैं, लेकिन उनका क्या जो कभी नहीं भूलते। तो कल्पना कीजिए आखिर यह सब उस हाथी के लिए कैसा हुआ होगा, क्योंकि कहा जाता है कि हाथी कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर कथावाचक ये कह रहे हैं कि उस हाथी के बच्चे की माँ को काफी दुख है क्योंकि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद हमें माँ पार्वती के दर्शन कराए जाते हैं जो बड़े ही प्रेम से एक निर्जीव बालक की मूर्ति बना रही है और उनके इसी अपार प्रेम के कारण उस निर्जीव को जीवन मिलता है जो है हमारे भगवान श्री गणेश। जहाँ कथावाचक कहते हैं जीवन एक रहस्यमय चीज है, वास्तव में जीवित होने का क्या अर्थ है, वो वास्तव में क्या है जो एक निर्जीव को जीवन में लाता है। मेरा दावा है कि मैं उसका उत्तर नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे चुनना होता तो मैं प्यार को चुनता। जो जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाता है वो है प्रेम, और बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। इसके बाद भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ, पर अभी वो एक बालक थे और उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो खुद कौन है और इस वक्त कहाँ है और वो देवी कौन है जो उनके समक्ष खड़ी है। पर माँ पार्वती उनसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर उचित समय पर मिल जाएंगे, अभी बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो और हम सबसे महान पर्वत कैलाश पर है और ये हमारा घर है। जिसके बाद हमें हाथी के बच्चे और उसकी माँ के कुछ सुनहरे पल दिखाए जाते हैं जहाँ वो एक साथ पानी से खेल रहे होते। कथावाचक कहते हैं कि बालक को यह समझने में समय लगता है कि उसकी माँ की अन्य भूमिकाएं भी हैं, कि दूसरों का उस पर दावा है जैसे कि उसके भाई बहनों का। जिसके बाद वो नन्ना बालक यानी हमारे भगवान श्री गणेश माँ पार्वती से पूछते हैं कि जब आप मेरी माँ है तो आप इस पूरे संसार की माँ कैसे बन सकते हैं। जिस पर माँ पार्वती उससे कहती है कि माँ का प्यार एक पुत्र के होने से कभी कम नहीं होता, ये प्यार कभी ना खत्म होने वाला प्यार है, इस प्यार को जितना बांटा जाता है ये उतना ही बढ़ता है। और माँ पार्वती उसे एक कार्य देती है, कहती है मैं मानसरोवर अनंत काल की झील में ध्यान करने जा रही हूँ और तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी मेरे ध्यान भंग ना करे। तुम्हें इस दहलीज की रक्षा करनी होगी, बस किसी को भी इसे पार मत करने देना। और वो बालक कहता है आखिर मैं सबको रोकूंगा कैसे, मैं तो सिर्फ एक नन्ना बालक ही तो हूँ। जिसके बाद अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया एक अस्त्र माँ पार्वती उस बालक को देती और वो बालक अपनी माँ से वादा करता है कि अपनी बची अंतिम सांस तक किसी को भी उस दहलीज को पार करने नहीं देगा। और फिर माँ पार्वती मानसरोवर में ध्यान के लिए चली जाती। इसके बाद भगवान शिव जी अब हिमालय से लौट रहे थे और वो भी एक लंबे प्रवास के बाद, और आते ही उन्होंने नंदी को बुलाया और जैसे ही उन्होंने अपने बर्फीले सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया नंदी उनका पराक्रमी व्यक्ति आ गया और शिव जी ने नंदी से कहा जाओ उमा यानी माँ पार्वती के पास जाओ और उन्हें कहो हम हिमालय से लौट आए हैं, अब हमें उनके दर्शन करने हैं। और फिर नंदी आ पहुँचता है मानसरोवर की दहलीज पर जहाँ
नंदी ने एक लड़के को दहलीज पर पहरा देते हुए देखा। योद्धा के रूप में अपने कौशल के नशे में था नंदी, इसलिए आगे बढ़ते गया और फिर उस बालक ने नंदी को रोका। यह देखकर नंदी हैरान हो गया कि एक लड़का उसे रोकने की हिम्मत कर रहा है। जिसके बाद नंदी ने जोर आजमाइश की कोशिश की, परंतु उस बालक ने उसे वो दहलीज पार न करने दी। घर से गिरना सबसे कठिन था और नंदी ने अपनी निराशा को सीख लिया था। नंदी ये नहीं देख सकता था कि एक बच्चा उससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। जिसके बाद नंदी क्रोध से कांप उठा और एक पागल बैल की तरह लड़के की ओर तेजी से दौड़ा और फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लड़के ने नंदी से कौशल और शिद्दत से तब तक लड़ाई की जब तक नंदी ने फिर से धूलना चाट ली। थके हुए वह उठ गया। न जाने उसे किस चीज से अधिक चोट लगी थी, उसके जख्मों से या अंदर जलती हुई लज्जा। वह चला गया लड़के को कोसते हुए, कहते हुए कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, शुरू हुआ है और वो वापस से लौटेगा उसे सबक सिखाने। और बच्चे ने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा क्योंकि वह घिनौने घमंड जैसी बातों को नहीं जानता था। इसके बाद एक और लड़ाई हुई, मगर इस बार हाथी के बच्चे और उन खूंखार भेड़ियों के बीच। साइड बाय साइड दोनों लड़के बहादुरी से लड़े, हालांकि हमलावर उनसे संख्या में ज्यादा थे। हाथी का बच्चा जंगली जानवर के नुकीले दौत से घायल हो जमीन पर गिर गया। उसकी माँ सिर्फ उस क्षण में बहुत कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपने बेटे को गिरता हुआ देख। और वही युद्ध से बेखबर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स यानी भगवान शंकर ध्यान में डूबे हुए थे, जब तक कि उन पर एक कठोर जागृति नहीं आई। उनकी समाधि टूट गई और शिव ने अपनी आंखें खोली। और जैसे ही वो हंगामे के पास पहुंचे, एक अजीब दृश्य ने प्रभु का अभिवादन किया। उन्होंने पाया कि उसकी सेना एक लड़के से हार गई है। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को केवल बच्चों की दया पर खर्च कर दिया था। फिर शिव जी लड़के से पूछते हैं, आप कौन हो, मेरे रास्ते में ना खड़े हो, क्योंकि मैं शिव हूँ, भगवानों का भगवान, कैलाश का स्वामी हूँ मैं, मुझे जाने दो, क्योंकि ये उसके पति के रूप में मेरा अधिकार है। परंतु लड़के ने एक वादा किया था जो उसे निभाना था, इसलिए उसने शिव जी से कहा, भले ही आप मेरी माँ के पति हैं, लेकिन उन्होंने परेशान न होने के लिए कहा है, और यदि आप उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो आपको मुझसे होकर गुजरना होगा। और फिर एक और लड़ाई शुरू हुई, इस बार एक भाग्यवादी। और शिव जी ने बालक के हाथ का अस्त्र देखते हुए सोचा कि ये अस्त्र तो शक्ति के सार से बना है, ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का दिव्य शक्ति का ये यंत्र चला सकता है। और फिर जैसे ही शिव का त्रिशूल शक्ति के उस अस्त्र से मिला, इसमें मौलिक ऊर्जा का एक आभा मंडल ढीला कर दिया। और माँ पार्वती अपनी समाधि में गहरी थी, फिर भी उनका हृदय अपने पुत्र की दुर्दशा को भाप रहा था। वे क्रोध से लड़े और शिव की शक्ति बच्चे की वीरता से एकदम मेल खाती थी, और त्रिशूल के एक प्रहार ने लड़के को धराशायी कर दिया। क्योंकि इस त्रिशूल ने राक्षसों, देवताओं और पुरुषों को समान रूप से गिराया था। जिसके बाद शिव जी उस लड़के से पूछते हैं, अब मुझे जवाब दो कि तुम कौन हो और तुम मुझसे कैलाश के स्वामी से आखिर क्यों लड़ रहे हो। और माँ पार्वती को आवाज लगाते हुए पूछते हैं कि ये बालक कौन है और वो तुम्हारी शक्ति की लाठी को क्यों धारण किए है। जिसके कुछ देर तक लड़के के दिमाग में एक धुंधली धुंध छा गई, उसकी छाती में केवल एक सांस बाकी थी। और अपनी मरती हुई सांस के साथ बेटे ने अपनी माँ से किए गए वादे को निभाने की कोशिश की कि किसी को भी वो दहलीज पार नहीं करने देगा, और शिव जी पर प्रहार कर दिया। जिस प्रहार से शिव जी क्रोधित हो उठे और अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जो कि उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था, कयामत का अग्रदूत। जिसके बाद लड़के के पास विनाश की आग के खिलाफ क्या ही मौका था। और उसी क्षण भगवान शिव ने उस बालक का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। और तभी वहां पहुंची माँ पार्वती और उन्होंने बताया कि वो उनका पुत्र था। जिसके बाद दोनों तरफ हुए युद्ध में दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। दोनों माँ अपने बेटे की मौत पर रो रही थी और माँ पार्वती के रोते ही एक अंधकार सा छा गया, धरती रो पड़ी, नरक उबल गया और आकाश कांप उठा। और पवित्र त्रिमूर्ति के सबसे बुद्धिमान विष्णु ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में ये उथल पुथल माँ के दुख के कारण हुई। वो फौरन कैलाश पर्वत पहुंचे और उदास शिव जी के साथ माँ पार्वती को देखा, और विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और शिव जी से कहा, आपके बेटे के जीवन को बचाने का
एक तरीका हो सकता है अगर उसके शरीर को फिर से एक सिर से बनाया जाए, परंतु शीश स्वतंत्र इच्छा से दिया गया हो, बल द्वारा नहीं लिया हो, जिसके बाद विष्णु द्वारा सलाह दी जाने पर शिव एक अन्य माँ के पास गए और वो गए उस हाथी के बच्चे की माँ के पास और कहा, मेरे बच्चे और आपके बेटे के लिए अभी भी आशा है, यदि वह एक दूसरे के साथ बंधन में आ जाए, दोनों एक हो जाएंगे और मैं उसे अनंत जीवन का वरदान दे सकता हूँ। इसे आप अपने बेटे को खोने के रूप में नहीं बल्कि पुनर्जन्म के बारे में सोचें, शिव के पुत्र के रूप में एक बेहतर जीवन। और उस हाथी के बच्चे की माँ के पास क्या ही विकल्प था, वो एक माँ थी और उसने अपने बेटे के लिए जीवन चुना। उस दिन दो बेटे एक हो गए और एक भगवान का जन्म हुआ। उस दिन से उन्हें शिव सेनापति के सेनापति गणपति का नाम दिया गया और उस दिन से कई लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं और उन्हें विघ्नेश्वर, रुकावटें दूर करने वाला, विनायक जो प्रयत्नों का प्रवर्तक करता है, ये सब नामों से जाना जाता है। परंतु आज भी श्री गणेश जी कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कोई भी बेटा करना चाहेगा और यही चीज करने गणेश जी स्वयं आए थे उस हाथी के बच्चे की माँ के पास, और वो थी किसी के जाने का दर्द कम करना। क्योंकि कहते हैं हाथी कभी नहीं भूलते, पर बेटे भी कभी नहीं भूलते। तो इसी के साथ भगवान श्री गणेश की जन्म की ये दिव्य गाथा यही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दे। और जाने से पहले आपको तो पता ही आपको क्या करना है, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।